मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद अपन लोग ऐसे बात कर पा रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा नया डिज़ाइन लेने की कोशिश की है। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या चीज़ें आपको मेहंदी सीखने में ज़रूरी है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। इन डिज़ाइनों को आपको कैसे बनाना है वो भी अपन समझेंगे। ये डिज़ाइन मैंने स्ट्रेट लाइंस पे नहीं लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा कर्व रखा है ताकि वो आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। ये इस तरह से बॉक्स बना के आप भरने की डिज़ाइन, जो डिज़ाइन में अपन भरन करते हैं उसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, वो इस तरह से आप बहुत आराम से कर पाएंगे। आप पर्टिकुलर एक बॉक्स बना लें और उसमें थोड़ा थोड़ा पार्टीशन बना के उसे आप फिल करें अलग अलग डिज़ाइन से, तो वो बहुत अच्छे से फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें भी मैंने वही चीज़ यूज़ की है, एक बॉक्स बनाया है। मेरे को जिन जिन डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी थी मैंने वो अपने माइंड में सेट कर ली है और उसके बाद मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। कुछ दो चीज़ें मैंने बेस पहले ही मैंने बना के रखा था ताकि मुझे भरना, जो मेरे को भरन करनी है वो थोड़ा सा इजीली मैं कर पाऊँ। ये दो डिज़ाइन है, मैं आपको लास्ट में शेयर करती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाई है। अभी मैं नॉर्मली आपको बोल के बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। नीचे की तरफ जो मैंने फ्लावर बना रखे हैं उसमें सर्कल की डिज़ाइन लेके कंगोरे की डिज़ाइन ली है, डॉट बनाए हैं उसके ऊपर और एक लाइन, और साइड में दो पत्ती की डिज़ाइन निकाली है। ऐसे करके मैंने सारे फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं। ऊपर से मैंने यू शेप बनाया है और ऊपर की तरफ कंगोरे की डिज़ाइन बनाई है। ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद थोड़ा पार्टीशन छोड़ के मैंने ऊपर सर्कल का हल्का सा डिज़ाइन लिया है, हल्का सा घुमावदार डिज़ाइन लेके मैंने मोटी लाइन बना के, पतली लाइन बना के दो कंगूरे की डिज़ाइन बनाई। फिर मैंने पत्ती की डिज़ाइन ली और नेक्स्ट मैंने वन बाय वन लाइंस बना के कंगूरे की डिज़ाइन ली। ऊपर भी मैं कंगूरे की डिज़ाइन बना रही हूँ जिसकी मेरे को प्रैक्टिस करनी थी। मेन टॉपिक कंगूरे की डिज़ाइन है जो कि अपन को इसमें देखना है। मोस्टली सब जने क्या करते हैं कि जो सर्कल बनाते हैं सेम वही प्रेशर के साथ कंगूरे की भी डिज़ाइन बनाते हैं। इस चीज़ को अपन को अवॉइड करना है, इस चीज़ को अपन को नहीं करना है। याद रहे, जो अपन सर्कल बनाते हैं उससे थोड़ा कम प्रेशर रख के कंगूरे की डिज़ाइन बनाई जाती है। आती ये डिज़ाइन सबको है, मुझे भी आती है, जो बेसिक डिज़ाइन बनाते हैं उनको भी ये चीज़ आती है, सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है जो मेहंदी बनाते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं अपन छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिससे अपनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। और ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ इसमें इसीलिए मैंने ये वाली चीज़ ली थी ताकि ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल की लाइन में जो आप प्रेशर रखेंगे उससे थोड़ा सा कम प्रेशर लेके कंगूरे की डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट जो मैं पत्तियों के आसपास की फिलिंग कर रही हूँ उसके लिए मैंने पहले बॉर्डर ली है। याद रहे, बॉर्डर लेना इम्पॉर्टेंट है। पत्तियों के डिज़ाइन की यहाँ से बॉर्डर नहीं बनेगी तो कहीं मेहंदी ज़्यादा और कहीं मेहंदी कम रह जाएगी। इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। कुछ कुछ पॉइंट जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ वो हमेशा ऐसे फिलिंग करने की जगह याद रखें, पहले बॉर्डर बनाएं और फिर उसमें फिलिंग करें, जिससे वो एक जैसी फिलिंग होगी और चीज़ भी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत क्लियर दिखेगी। ये जितने भी टॉपिक मैं अभी ले रही हूँ ये अपनी मेहंदी की डिज़ाइन में फिनिशिंग को दिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट मैंने चेक्स का डिज़ाइन लिया है, बिकॉज मैंने सारे डिज़ाइन को बहुत ही यूनिक तरीके से लिया है, सब बहुत भरी भरी सी डिज़ाइन है, तो नेक्स्ट मैंने चेक्स का डिज़ाइन सिलेक्ट किया है।
कोई भी डिज़ाइन अगर अपन फिलिंग करते हैं तो कहीं एक जगह पे थोड़ी सी अट्रैक्टिव डिज़ाइन ले लेना है और फिर सिंपल से डिज़ाइन से उसको फिल कर देना है, ताकि जो अट्रैक्टिव डिज़ाइन है वो उठ के दिखे और सिंपल डिज़ाइन दब जाए। जैसे आप देख सकते हो पत्ती का डिज़ाइन और फ्लावर का डिज़ाइन, इन पूरे बॉक्स के डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट था जो कि अट्रैक्टिव था। मैंने उसको दोनों को बनाने के बाद सिंपल सी दो डिज़ाइनें लेके उसको फिल कर दिया है। अपन कोई भी बॉक्स बनाएंगे तो उसकी कुछ पार्ट पे अपन कुछ यूनिक कुछ नई डिज़ाइन बनाएंगे और कुछ पार्ट पे अपन सिंपल सा डिज़ाइन जो अपने को रेगुलर में अपने हाथ में है अपन वो डिज़ाइन बना देंगे। सारी चेक्स को एक जैसा करूँगी, सब बॉक्स एक जैसे दिखने चाहिए। सबको बहुत क्लियरली दिखाने के बाद मैं उसमें लाइनें बना दूँगी जिससे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे, कोई भी बॉक्स आप बनाते हैं तो उसमें आप वही डिज़ाइनें बनाएं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये अपन प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे हैं या प्रैक्टिस करने के लिए अपन ये ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि नई डिज़ाइन ही आप यूज़ करो मेहंदी सीखने में, बॉक्स के डिज़ाइन को फिल करने में नई डिज़ाइनों का ही यूज़ किया जाए। कुछ पुरानी चलेगी, बाकी नई का ही अपन को यूज़ करना है। जैसे मैंने दो नई डिज़ाइनें ली, बाकी मैंने पुरानी डिज़ाइनें ली। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी।